जय श्री कृष्णा। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों का सही मतलब समझा जाए, इसीलिए कभी कभी चुप रहना भी ज़्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो इतना ही गहराई से अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले का राय बदल जाती है। आपकी हार और आपकी जीत आपके सोच पर निर्भर करता है, इसीलिए मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। ज़िंदगी में एक उसूल बना दीजिए, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी मत जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, जो भी होगा हमारे कर्मफलों का नतीजा ही होगा। एक बार नींद टूटी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने मत टूटने देना। आप कितने भी बड़े बन जाओ, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो करना है खुद करना है, वक्त पे भरोसा करोगे तो धोखा ही मिल सकता है। इस प्रकार तेल दिए के बिना नहीं चल सकता, इसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना भी नहीं फल सकता। इसीलिए जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण जरूर कीजिए। जीवन में किसी का भला अगर नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं दे सकते तो बेइज्जती भी मत करो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीकों से आजमाने के ताकत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितने भी तीज क्यों ना हो समुद्र को सुखा नहीं सकता। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो बदलेगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाले ही हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा सत्य आपके अपने विचार है, इसीलिए बड़ा सोच और खुद के जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन एक सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सर्वश्रेष्ठ शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रशंसा हो रही है तो ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जीवन में कभी किसी से अपने तुलना मत कीजिए, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों का सही मतलब समझा जाए, इसीलिए कभी कभी चुप रहना भी ज़्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो इतना ही गहराई से अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले का राय बदल जाती है। आपकी हार और आपकी जीत आपके सोच पर निर्भर करता है, इसीलिए मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। समस्या इतनी ताकतवर भी नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया है? गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत हमेशा खुद से ही करना चाहिए। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबका एक जैसा है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध हम कभी भी नहीं कर सकते, अतः तुम किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक जाती है।
जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है। जब हमारा मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरे के दुख पर हंसी आने लगती है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होता है जिन गलती से हम कुछ नहीं सीख पाते। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, पूर्णता के साथ किसी और के जीवन के नकल करने से ज़्यादा बेहतर है तुम अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से ही बेहतर हो जाओ। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाए तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है किंतु कर्म के फलों का तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को कर्मों फलों का कारण मानो ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो जाओ। सही कर्म वही नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, परंतु सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ गलतियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज आपके पास जो भी है वो आपके किए गए कर्मों फलों का नतीजा है। मनुष्य नहीं उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य का कर्म होता है वैसे ही उसको फल प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है किंतु कर्म फलों का अधिकारी तुम नहीं हो। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व नहीं देता है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियाँ को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम को चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि वो काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नियति से किया गया हर एक काम व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मनुष्य किसी भी विषय वस्तु के बारे में अगर सोचता रहता है तो मनुष्य को उससे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं से विघ्न आने से क्रोध उत्पत्ति होती है। जितना हो सकता है खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान उसके जुबान ही करवाता है। हे अर्जुन, अपने परम भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण करता है, एक चित मन से मेरा पूजन करता है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। उस दिन हमारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा कर्म ईश्वर की मर्जी से ही होता है। जो अच्छा है उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग करो। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए उसे इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को बरसों में इतना नहीं जान सकते हैं जितना एक बार में उसे क्रोधित अवस्था में देखकर जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और बोले जय श्री कृष्णा।